प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों के चलते सरकार से नाराज कांग्रेस प्रवक्ता और लाल शक्ति संगठन की अध्यक्ष हेमलता शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शर्मा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस्तीफे की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में हेमलता शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार हो रहे दुष्कर्म के मामलों को वोट बैंक की खातिर दबाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस दौरान राजस्थान किन्नर अखाड़ा प्रमुख महंत संजनाबाई मौजूद रही। उन्होंने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए गंभीर मामलों को दबाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं करने पर कोर्ट में याचिका दर्ज कराने और आंदोलन की चेतावनी दी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मेरे लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे लिए महिला सुरक्षा विशेष है। तो जो भी कोई हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी अधिकारी हो, जो भी whomsoever, लेकिन दे शुड बी पनिश्ड अंडर द लॉ, अंडर द जो भी कानून की प्रक्रिया है उनके अंतर्गत, वो उनको दबाया नहीं जाना चाहिए, छुपाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज वो बच्ची उनकी है, कल वो बच्ची हमारी भी हो सकती है। इसलिए ये मुद्दा इसलिए हम उठा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। खाली आपका ढिंडोरा पीटने से नहीं क्या वह होगा न्याय, हमें वास्तव में अब न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे कि न्याय कैसे होता है। कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को राजी नहीं है। आज हार कर मैडम ने पार्टी छोड़ दी, मैंने अपना अवार्ड वापस कर दिया। फिर भी अगर ये समाज नहीं चेता या कानून नहीं चेता, तो अल्टीमेट के 7 दिन के अल्टीमेट के बाद में जो महिला मोर्चा उतरेगा, शक्ति उतरेगी या किन्नर समाज उतरेगा, तो ही शायद प्रशासन शर्मसार हो जाए। क्योंकि अपराध करने वाले से ज्यादा अपराध को दबाने वाला अपराधी होता है, और इस अपराध को दबा दिया और 14 साल की बच्ची को नौकरी का एक लालच दे दिया, तो क्या ये सब ऐसा ही होता रहेगा? ये आगे ना हो, इसलिए एक छोटी सी हमने कोशिश करी है। और अभी भी अगर कानून समझ जाए, प्रशासन चेत जाए या सरकार चेत जाए, तो राजस्थान सरकार से ही बहुत हाँ भी तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, फिर ताली बजा के भी कहेंगे।